Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज हमारे पास 4 अक्टूबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर को. दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल को या फिर इसके कोई भी नोट्स को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाए हुए जिसमें आप आसानी से सारे के सारे नोट्स और सारी की सारी पीडीएफ वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के. देखो यहां पर एक छोटी सी न्यूज़ है, कोई खास नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी, आपको पता ही होगा, ये अपने यहां पर इन्होंने अपनी जो विधानसभा है वहां से इन्होंने जब सीट से ये बैठी थी तो ये हार गई थी, लेकिन ये सीएम बन गई थी क्योंकि इनकी मेजोरिटी थी. बट क्योंकि कहा जाता है कि 6 महीने तक आप अपनी जो है सीएम पद को रख सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से अपने जो इलाके हैं उसमें चुनाव करवा के आपको उस सीट को जीतना पड़ेगा. तो यहां पर ये एक न्यूज आ रही है कि ममता बनर्जी अपनी सीट से ये जीत चुके हैं, तो अब इनकी जो सीएम की जो कुर्सी है वो बिल्कुल तरीके से पक्की हो गई. ठीक है, छोटी सी न्यूज है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. अब हम यहां पर बात करते हैं 8 held आफ्टर ड्रग रेड ऑन क्रूसाइज शिप. अभी क्या है यहाँ पर, देखो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पर जो देखो क्या था, मुंबई के अंदर एक शिप में पार्टी हो रही थी, उस पार्टी के अंदर 8 लोग थे और 8 को पकड़ा गया और ये पता लगा कि उन 8 लोग जो पार्टी कर रहे थे उसके अंदर जो नारकोटिक ड्रग्स होता है, जो आपके हीरोइन चरस गांजा टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इन सब का वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है जो कि बिल्कुल इलीगल है. और उसके अंदर सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बात क्या होगी कि वहाँ पर जो शाहरुख खान के जो बेटे हैं, ठीक है, अरहान खान, ये उसमें आर्यन खान ये पकड़े गए उसके अंदर. ठीक है, उन 8 में से ये भी एक शामिल थे. खैर मुद्दा मार है ये बिल्कुल भी नहीं कि शाहरुख खान के बेटे के साथ अब क्या होगा क्या नहीं होगा. मुद्दा ये है कि आखिर कौन कौन सी एजेंसीज जो है वो इस टाइप की रेड्स करती हैं और कौन कौन से जो धाराएं इस पर वो सारी यहां पर लगाई जाती हैं. तो चलो सबसे पहले मैं आपसे यहां पर बात करूंगा 2 बड़ी बड़ी एजेंसी जिनका नाम है NCB. आप यहां पर देख सकते हैं, एक्टर शाहरुख खान सन्स आर्यन खान एंड 2 अदर वर अरेस्टेड बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी NCB ने इनको गिरफ्तार कर लिया. तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये NCB होती क्या है और ये काम को कैसे करती है. ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ NCB क्या होती है. यहाँ पर हमने इसके लिए बकायदा नोट्स वगैरह बनाए हुए, चलिए मैं आपको बताता हूँ NCB को लेकर. NCB के फुल फॉर्म है आपकी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 1986 में. बेसिकली इसका जो काम है वो क्या है, देखो मेरी बात को ना पहले ध्यान से सुनो. ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एक हमने एक्ट बनाया हुआ है और एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और जो इसका एक्ट है वो हमारा कौन सा है, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. ये 2 चीज़ें हैं. अब क्या है कि इसकी जो नोडल एजेंसी, जो प्राइम एजेंसी है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है. अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ड्रग्स वगैरह की जो कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा ना हो एक लेवल तक. देखो ड्रग्स की कंजम्पशन करना गलत चीज़ नहीं, अगर आप देखेंगे दवाइयों का तो ड्रग्स ही मिलाई जाती है, ड्रग्स से ही दवाइयाँ बनती है, लेकिन वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आती हैं. लेकिन अगर आप उसको पर्सनल इनहेल और कंजम्पशन के लिए करोगे तो ये फिर वो ड्रग्स या मेडिसिन नहीं, फिर ये आपकी क्या कहलाएगी, एक बुरी आदत कहलाएगी, जिसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. हमारे भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ की पूरी तरह से प्रोहिबिशन देती है कि आप इस चीज़ जो ड्रग्स का यूज़ है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं कर सकते हो, सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए या इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रग्स इंजरीज जो हेल्थ में यूज़ की जाती है उनमें इसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. अगर ऐसी कोई गलत सब्सटेंस यहाँ पर पाया जाता है तो यहाँ पर जो नारकोटिक ड्रग्स कंट्रोल है इसको पूरी पूरी छूट दी जाती है कि इस टाइप के इलीगल ट्रैफिकिंग या इलीगल जो तरीके होते हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से रोका जा सकता है. तो NCB क्या है, मैं रिपीट कर दूँ, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है. ये एक ऐसी संस्था है जो कि अगर कोई ड्रग्स की इनहेल या कंजम्पशन करता है तो उसको यहाँ पर ये पकड़ने और रेड डालने जैसे यहाँ पर ये काम किए जाते हैं. तो ये तो हो गया आपका NCB. इसके बाद यहाँ पर एक एक्ट आता है, मैंने अभी आपको बताया था, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. ये कोई संस्था नहीं है, ये भारत का एक क्या है, एक एक्ट है जिसको पूरा पार्लियामेंट के प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर पास कराया गया. ये आपका GS पेपर नंबर 2 के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन आता है. अब बेसिकली जो ये एक्ट 1985 में बनाया गया था ये क्या था, यूनाइटेड नेशंस में हमारे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है कि वर्ल्ड में जो ड्रग्स की जो कंजम्पशन है वो सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट्स की लोनी चाहिए, उसके अलावा कहीं भी लोनी चाहिए. तो इंडिया ने इस पर यूनाइटेड नेशन में साइन भी किया हुआ है बकायदा, जो किया था 1971 में. इसके बाद फिर हमने 1985 में इसके बकायदा क्या बना दिया, एक एक्ट बना दिया. इस एक्ट के अंदर सारी धाराएं लिखी हुई हैं कि कल को अगर कोई बंदा कोई कंजम्पशन करता है तो इस एक्ट के अंदर क्या क्या उसे जेल हो सकती है, क्या क्या पेनल्टीज हो सकती है. इवन ये भी है कि अगर मान लो कोई ऑफेंड करते हुए बार बार पकड़ाया जाता है सेम केस
के अंदर, तो उसको डेथ केस की पेनल्टी यानी डेथ टिल हैंग यानी जो जेल में जो फांसी की सजा होती है वो भी यहाँ पर दी जा सकती है। सेक्शन 27 की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि अगर कोई बंदा इसमें कोई ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ करता हुआ पाया जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है और साथ में उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है, बट जेल 10 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होगी। और कुछ केसेस के अंदर देखा गया कि पनिशमेंट भी मिलती है और आपको यहाँ पर जेल की धाराओं के अंदर रहना भी पड़ता है। इसमें जो पनिशमेंट का रूल है वो 10 साल तक के लिए और 2 लाख रुपये तक यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़े हमारे लिए मेन था, तो आपको समझ आया कि यहाँ पर जो 8 लोग पकड़े गए उनको NCB के द्वारा पकड़ा गया और यहाँ पर कौन से एक्ट के लिए कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि इन लोगों ने किस तरह की इनहेल की हुई थी, क्या क्या इन्होंने जो गलत काम किए वो किए हुए हैं, तो उनके हिसाब से क्या होते हैं इन पर धाराएं लगा के उस हिसाब से देख लिया जाएगा। लेकिन आपको याद करने वाली चीज़ क्या है कि इसको 10 साल से ज़्यादा की जेल नहीं हो सकती है और 2 लाख से ज़्यादा की पेनल्टी इस पर इम्पोज नहीं की जाती। लेकिन अगर ये बार बार पकड़े जाएंगे तो उनको डेथ की पेनल्टी भी यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो सेक्शंस भी दे रखे हैं कि जो ये इनके जो सेक्शंस है वो सेक्शन 8 सबसेक्शन सी, 20 सबसेक्शन बी और 27। ये जो नारकोटिक ड्रग्स एक्ट अभी मैंने बताया था ना, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट जो था हमारा, तो इसके तहत 1985 के तहत ये सारी धाराएं इसके अंदर यहाँ पर लगाई गई, ठीक है। तो मेनली हमें दो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के बारे में यहाँ पर जानने के लिए मिल गई। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए, गेमिंग डिसऑर्डर इंक्रीज ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब आप जानते हैं कि जब से ये पेंडेमिक चली है तब से बच्चों के लिए लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, और उन्हें पढ़ाई करनी है तो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन उन्हें देना ही पड़ेगा। पेरेंट्स ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब से इन्होंने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर अपनी क्लासेस लेने शुरू किए तो क्लासेस तो नहीं हो रही हैं, उसके अलावा सब कुछ हो रहा है, जैसे गेमिंग हो गया, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, दोस्तों के साथ चैटिंग हो गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन पर इन लोगों का एक्टिवेशन पार्ट इतना ज़्यादा हो गया कि इनकी मेंटल हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या हुआ कि इंडिया के अंदर क्या हुआ कि आनंद नाम का एक स्टूडेंट था जिसकी एज थी 15 साल। उसने अपने मम्मी पापा को ये बोला कि मुझे अपनी क्लासेस के लिए एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, तो उसकी मम्मी पापा ने उसको मोबाइल फ़ोन दिला दिया। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन दिलाए तो पिछले 1.5 साल के अंदर उन्होंने खुद ने ऑब्जर्व किया कि बच्चा उनसे कटना शुरू हो चुका है। अब वो सोशल जो प्लेटफॉर्म्स फिजिकली प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर जाना पसंद नहीं करता, गली मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता। अब वो क्या मोबाइल उसकी दुनिया होगी पूरा। अगर हम वॉच टाइम देखें एक दिन के अंदर लगभग 12 से 15 घंटे वो मोबाइल को यूज़ करे, जो कि एक बच्चे के लिए किसी भी इंसान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, उसकी मेंटल इलनेस यहाँ से बढ़ सकती है, मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो सकती है। ये रिपोर्ट यहाँ पर मेज़र किए गए जिसके चलते यहाँ पर उसने जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, NIMHANS निमहांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के अंदर उसको लेकर गए। तो वहाँ रिसर्चर्स ने ये पाया कि लॉकडाउन के वजह से इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर पढ़ाई लिखाई तो नहीं बल्कि गेमिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और गेमिंग के चलते उनका जो मेंटल इलनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो हमारा साउथ कोरिया है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है गेमिंग के मामले में, वहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के गेमिंग पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। और इसी तरह इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया कि इंडिया जो है वो नॉर्थ साउथ कोरिया के बाद दूसरे नंबर पर आ गए जहां सबसे ज्यादा गेमिंग यहां पर देखी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पिछले कई यहां पर देखा हर महीने लगभग 15-15 केसेस यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और गेमिंग का जो क्रेज है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमारे यहां पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो लगभग 15,500 करोड़ की हो जाएगी 2023 के अंदर। ये बहुत ही बड़ा यहां पर जो है एक अमाउंट है जो गेमिंग के लिए यहां पर बच्चे अपने इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर मुद्दा ये उठता है कि जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है इसका काम क्या होता है। चलो, मैं इसके लिए नोट्स बनाए क्योंकि देखो हर चीज को हमें एग्जाम से रिलेट करना है, ठीक है। चलो, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा NIHANS GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है जो कि पेशेंट की क्या करता है, बकायदा केयर करता है, उनकी काउंसलिंग करता है, उनकी जो ये लत लग जाती है इस लत को यहाँ से दूर किया जाता है, उनकी मेंटल इलनेस को यहाँ पर रिमूव किया जाता है, उनको बकायदा क्लिनिकल केयर के लिए लिया जाता है, क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है और उन पर कई टाइप की रिसर्च वगैरह की जाती है। बेसिकली इसका जो स्टार्ट है हमने 1994 के अंदर स्टार्ट किया था, 2012 के अंदर ये बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से केसेस इसमें आने शुरू हुई जब से मोबाइल वगैरह का यहाँ पर यूज़ होना शुरू हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस क्या है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग भी मोबाइल का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो तो प्लीज़ इसकी कंजम्पशन की यूनिट को थोड़ा सा कम करो, बिकॉज ये बच्चों की नहीं मतलब हर एक इंसान हर एक एज ग्रुप पर ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है। चलो, इसके अलावा हम आगे चले यहाँ पर, तो इस वाले पेज से कोई खास न्यूज़ नहीं है, और यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है मैं सोच रहा हूँ आपसे डिस्कस कर लूँ, वो ये वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। यहाँ पर गुड़गांव में क्या हुआ है, गुड़गांव की एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर एक लेडी है, उसने क्या बोला कि अब हम जो भी वेस्टेज होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें। ऑलरेडी ये 2 पार्ट में ही डिवाइड होती थी, जो कि होता था ड्राई वेस्ट और एक होता था आपका ड्राई और एक होता था वेट। तो दोनों को अगर हम अलग अलग कर देंगे तो इससे जो हमारा वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो हमारा अच्छा हो जाता है। अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जब कूड़ा फेंका जाता है तो ड्राई वाले कूड़े को हम अलग जगह
डाल देते हैं और जो हमारा बाकी वेस्ट होता है उसको हम अलग जगह डाल देते हैं। तो इस मुहिम की पहल गुड़गांव के एक अपार्टमेंट के अंदर की गई और कहा जाता है इससे जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, बस सर एक बात बताओ, जब कूड़ा गाड़ी आती है हम उसके दो अलग अलग छोरों पर अगर अलग अलग कूड़ा डालते हैं तो इससे हमारे यहाँ पर फायदा क्या पहुँचता है? देखो फायदा ये पहुँचता है जब रिसाइकल बिन में जाता है तो यहाँ पर लोगों को उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो कूड़ा ऑलरेडी अलग अलग हो चुका है। ऐसे में रिसाइकलिंग प्रोसेस हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और रिसाइकल करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो अगर ये पहले हम अपने लेवल पर करने की कोशिश करें तो इससे जो इंडस्ट्रीज है उनका काम कम से कम समय के अंदर और कॉस्टिंग कम से कम आएगी और हमारा एनवायरनमेंट इससे क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। 100% प्रोटेक्ट नहीं रहेगा लेकिन एक पहल, एक छोटी सी स्टार्टिंग तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये थी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आगे अगर हम चलें तो इस वाले पेज पर कुछ खास या फिलहाल यहाँ पर न्यूज़ नहीं है। अब मुझे लगता है एडिटोरियल सेक्शन पर जाना पड़ेगा। दोस्तों आज की क्लास में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर एक एडिटोरियल है लॉक्ड इन सेटलमेंट। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, इंडिया और चाइना को लेकर जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है इनके बीच में जो पिछले कुछ सालों के अंदर देखा गया कि जो रिलेशन है इंडिया के और चाइना के वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए। तो इसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, इस इंप्रूवमेंट को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है। अब बातें क्या की जा रही है कि यहाँ पर ये हो रहा है कि अभी जो हमारे इंडियन आर्मी चीफ है और जो चाइना के आर्मी चीफ है ये दोनों आपस में कमांडर मीटिंग करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह से जो हमारी वैलीज हैं जिन पर चाइनीज लोग, जो चाइनीज सोल्जर है वो आ जाते हैं, तो इसको किस तरह से उनको पीछे हटाया जा सकता है। दोस्तों चलो मैं आपको ना एक फोटो के जरिए पूरी चीज़ को दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, उससे आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए फोटो में अगर हम देखें, एक मिनट दोस्तों, अब फोटो को यहाँ पर देखें, ये हमारा इंडिया का इलाका है। अगर हम देखें तो एक मिनट फोटो आपकी ये रही। यहाँ पर देखिए तीन जगहों से हमारे जो बॉर्डर हैं वो ज़्यादा टच में आते हैं। एक ये आपका वेस्टर्न सेक्टर लगभग 1570 किलोमीटर का, एक सेंट्रल सेक्टर है जो कि 545 किलोमीटर का सेक्टर है और एक आपका ईस्टर्न सेक्टर जो कि 1325 सेक्टर का है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो चाइना का जो दबदबा, आप ये रेड वाला एरिया देख रहे हैं वैसे इंडिया का एरिया है लेकिन यहाँ पर चाइना के जो शोल्डर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया है। अभी कब्जा दिन पर दिन इनका इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि इसे देखो हमारी लैंड पर आप कब्जा करो हम एक लिमिट तक शांत रहेंगे लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमारे शोल्डर शहीद होने शुरू होते हैं उनके भी, तो लड़ाई किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर आर्मी की जो मिलिट्री है कि जो चीफ कमांडर है वो दोनों आपस में बैठेंगे इंडिया के भी और चाइना के भी और इस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सेटल करने का यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि इस तरह से चाइना और इंडिया के रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं और ना जमीन उनकी हो पा रही ना जमीन हमारी हो पा रही, तो उस पर एक ठोस यहाँ पर जो है कदम उठाए जाएंगे और जब तक ये नहीं उठाएंगे तब तक देखना ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये जो लड़ाइयाँ हैं ये हमेशा चलती ही रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको मैप के जरिए समझ आएगा कि इंडिया और चाइना के जो मुद्दे हैं वो कितने ज़्यादा यहाँ पर भीषण है। अब आपको पता ही होगा 1961 के अंदर इंडिया और चाइना की वॉर भी हुई, फिर 1988 के अंदर भी इस टाइप की जो चीज़ें वो यहाँ पर देखने के लिए मिली। तो ये सारे जो एडिटोरियल है वो ये बताता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक, अरे यार ऊपर आना पड़ेगा दोबारा से मुझे, ये लो यहाँ पर ये एडिटोरियल क्या बोलता है, फूड सिस्टम को लेकर। अब पता है क्या है, यूनाइटेड नेशंस में जो यूएनओ हमारा, ठीक है, यूएनओ के अंदर इंडिया की बड़ी तारीफ हुई है। आप कहोगे सर इंडिया की तारीफ किस सेंस में हुई है, वो हुई है आपके ग्रेन्स के मामले में कि किस तरह से फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन हमें बढ़ाना चाहिए, किस तरह से उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें डिफरेंट लॉज बनाने चाहिए, ये बातें उसको लेकर बोल गए। चलो मैं आपको ना इस एडिटोरियल में एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत नई चीज़ें आपको जानकारी के रूप में यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलो अब ये एडिटोरियल बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर बात हो रही है UNFSS, ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फूड सिक्योरिटी समिट जो कि 2021 में हुई थी, अभी सितंबर महीने में इसकी जो समिट हुई है वो हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमारे जनरल एंटोनियो है तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे आप जानते हैं कि आज के दिन में फूड प्राइसेस कितनी ज़्यादा है, आज के दिन में कई सारी ऐसी लो इनकम ग्रुप कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं, तो इन लोगों के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको भूखे पेट ना देकर उनको हम खाना प्रोवाइड करवाएं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे लॉज बनाने पड़ते हैं कि कैसे हम फूड को यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पर लॉज की यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर ये बोला गया कि हमें आने वाले टाइम के अंदर 2030 के अंदर अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है उसको कंप्लीट करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर ये 2030 के अंदर ये कौन सा एजेंडा आपने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो हमारा UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट एंड कॉन्फ्रेंस, इसमें एक आता है हमारा फूड का आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन ये बोलता है कि हर एक कंट्री का जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज है, 195 में से 193 उसकी मेंबर कंट्रीज है, हर कंट्री के अंदर जो भुखमरी की समस्या है वो उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं,
नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं किसी कंट्री में लोग भूखे सो रहे हैं तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस तरह से हम इंसानों की वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ गोल्स बनाए गए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गोल बनाए थे सबसे पहले जिनको बोलते हैं मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। क्या बोलते हैं? मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। जब ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल बनाए थे, ये सन 2000 के अंदर बनाए गए थे और टारगेट था कि 2015 तक हम वो सारे के सारे टारगेट को अचीव कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, किसी रीजन की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो ऐसे में फिर हमने अपने गोल्स को एक्सटेंड किया और उनको नए नाम दिए और हमने 17 गोल डिसाइड किए जिनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये कहा जाने लगा कि आने वाले समय यानी 2030 तक हम इन गोल्स को पूरी तरीके से क्या करेंगे, अचीव करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, उससे आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, टोटल आपके 17 हैं, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ आती है, नो पॉवर्टी, कि जो भी हमारे मेंबर नेशन है उनके अंदर कोई गरीबी ना हो, जीरो हंगर, कोई भी इंसान भूख से खाली पेट ना सोए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि उसकी जो हेल्थ है हर इंसान की, जो मेंबर नेशन के जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मेल और फीमेल को बराबर समझाना चाहिए, क्लीन वाटर और सैनिटेशन की जो फैसिलिटी वो उन्हें मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए उनको, और इकॉनमी के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, इस टाइप के एक्सेलेंट वर्क करने चाहिए, इंडस्ट्रीज को किस तरह से प्रमोट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्डअप किया जाए उस पर बात होनी चाहिए, रिक्वेस्ट इनइक्वालिटीज, अगर कोई इनइक्वालिटीज बढ़ रही है तो इस को कैसे दूर किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, इसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, की जो कंजम्पशन है वो किस तरह से हम अपने यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, इसके बाद क्लाइमेट एक्शन को लेकर, जिस तरह से क्लाइमेट हमारे जो है वो ख़राब होता है उसको किस तरह से हम रिवाइव कर सकते हैं, लाइफ बिलो वाटर, कि पानी के नीचे जो हमारी लाइफ है उसको किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, इसके बाद लाइफ ऑन लैंड, लैंड के ऊपर किस तरह से लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, जीव जंतुओं की रक्षा कर सकते हैं, जो जस्टिस है उसको किस तरह से जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरह से हम बाकी लोगों के साथ अपना ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं। ये 17 गोल्स है जिनको हमें अचीव करना था, जिनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन की UNFCCC के द्वारा यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। अब ये क्या है कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर यानी 2030 के अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 गोल हैं वो पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, हम अचीव कर लेंगे, उनको लेकर यहाँ पर बात चल रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 23 सितंबर को जब यहाँ पर डायलॉग स्टार्ट हुआ था, डायलॉग का मतलब जो मीटिंग है वो स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि जो हमारा जो ये सबमिट है ना, फूड सिस्टम सबमिट, ये काफ़ी ख़राब है, बहुत सारी कंट्रीज़ को, लोगों को ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक भी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, सिर्फ ये रूल किताबों में बनकर रह गए या पेपर ऑन पेपर रह गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। देखा गया कि फूड लॉ जो सिस्टम है, लगभग 811 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो वर्ल्ड में अभी भी भूखे पेट रात को सोते हैं, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है। और यहाँ पर क्या कहा गया, उन्होंने देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या बोली, पहले आप यहाँ पर ये सुनो कि इंडिया ने इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया, मतलब फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया ने कौन कौन से अपने पास रूल्स बनाए हुए हैं। देखो इंडिया के अंदर पहली बात तो ये कि हम किसानों को खूब सारे सब्सिडीज देते हैं, जब सब्सिडीज देते हैं तो किसानों का जो प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फार्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा यही बोला गया कि COVID-19 केस में हम लोगों ने, आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इवन जो लोग जिनके पास फूड वगैरह नहीं है उनको यहाँ पर फूड वगैरह भी यहाँ पर क्या किए गए, प्रोवाइड कराए गए। तो आपने देखा किस तरह से भारत सरकार ने जो है अपने यहाँ पर फूड सिस्टम को इम्प्रूव किया, लोगों को फूड बांटा, जिससे जो उनकी बेसिक नीड है उनको यहाँ पर पूरा किया जा सके COVID-19 पेंडेमिक में। और जानते हो यूनाइटेड नेशन में खास तौर पर बोला कि हमें भारत से कई सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। अब आप जानते हो भारत में कई टाइप के हमने अपने पास सिक्योरिटीज एक्ट वगैरह बना रखे। मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, हमारे यहाँ पर TPDS है जिसको टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, मिड डे मील स्कीम है। दोस्तों मिड डे मील स्कीम का नाम अभी चेंज किया गया, आप मुझे बताओगे वो कौन सा नया नाम है जो मिड डे मील स्कीम को चेंज करके बनाया गया। इवन हमारे पास इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, इसके तहत क्या हुआ है कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से यहां पर कर पा रहे हैं। तो लोग यूनाइटेड नेशन के जो चीफ जनरल है उन्होंने यही बोला हमें इंडिया से चीजें सीखनी चाहिए कि किस तरह से इंडिया ने अपनी जो हंगर है उसको खत्म नहीं किया, लेकिन पहले के मुकाबले काफी इन्होंने कम कर लिया। तो यहां पर इंडिया की दबा के यहां पर क्या हुई है, तारीफ हुई, लेकिन ये नहीं कि आप सकते कि इंडिया के अंदर भुखमरी नहीं है, इंडिया के अंदर भी भुखमरी है, लेकिन यह है कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन यहां पर थोड़ी सी कम है। और यहां पर एक रिपोर्ट भी आई थी, आपको बताऊंगा IPCC की रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें यह बोला गया कि आने वाले समय के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्लाइमेट को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न जताना चाहिए और ये इस तरह की चीजें अपनानी चाहिए जिससे जो हमारा जो ग्रीनरी है वो बनी रहे और हमारी इन्वायरमेंट पर कोई उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ लेना, मैंने आपको पूरी इस कहानी का जो है सारांश बता दिया। और इंडिया से यही बोला गया कि आने वाले समय के अंदर ये चाहते हैं 2050 तक कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 2030 तक पूरे हो जाए,
और जो मानव को, एक इंसान को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हर चीज़ हर नेशन अपने अपने नेशन में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड करे। तो इंडिया में इसकी एक पॉजिटिव झलक देखने के लिए मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आर्टिकल, इसीलिए मैंने इसके एक एक लाइन को खुद भी पढ़ा और उसको समराइज वे के अंदर मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बता दी। अगर आपके पास टाइम हो तो इस आर्टिकल को मैं खुद आपको रिकमेंड करूँगा एक एक लाइन को पढ़ना। लाइन को पढ़ने से फ़ायदा होता है आपको पूरी डिटेल न्यूज़ पता चलती है, और उससे भी बढ़िया होता है कि आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाती है, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे राइटिंग के अंदर या हैंड राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव आती है और काम आती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी एक आर्टिकल है, ये क्या बोलता है, ये हमारा एडिटोरियल जब लिखा गया तो इन्होंने बोला कि अभी आप जानते हो एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया को यहाँ पर बेचा जा रहा है, और इसकी न्यूज़ मैं दो दिन पहले ही दे चुका हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले केस सुनो केस क्या है, फिर मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एयर इंडिया जो है वो काफ़ी सालों से लॉस मेकिंग में चल रही है। अब आप जानो कि COVID-19 जब से आया तब से अगर हम देखें तो देखो हर इंडस्ट्रीज़ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो सिविल एविएशन है उस पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि जो फ्लाइट्स हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक वो काफ़ी कम हो गई हैं। बहुत सी कंट्री में तो अभी भी हमारी फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं, तो इससे सिविल एविएशन हमारा बहुत ज़्यादा नीचे गया है। अब नीचे गया है लेकिन जो एयर इंडिया है वो काफ़ी टाइम से लॉस के अंदर चल रही है, उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा हैं, लॉस मेकिंग चल रही है, गवर्नमेंट ने उस पर पूरा अपना कंट्रोल भी कर रखा है, तो लॉस में बहुत ज़्यादा ये चल रही है। अब क्या हुआ, इसकी बिड वगैरह लगाई गई। अब बिड के अंदर क्या हुआ कि बिड लगा के हमने ये कहा कि किस तरह से हम जो है एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर किया ये जा रहा है कि जो एयर इंडिया है इसकी बिड लगाएगी, बोली लगाई कि एयर इंडिया अपने जो शेयर्स है वो मार्केट में बेचेगा। तो जब इन्होंने पहली बार बिड लगाई तो कोई भी बंदा इनकी बिड में आया ही नहीं, जानते हो क्यों, क्योंकि पहली बार तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, और दूसरी बात गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया होता कि 26% का कैप लगाया हुआ था कि हम अपने शेयर 74% बेचेंगे, 25% या 26% हम अपने पास रखेंगे। तो ऐसे में कोई भी इंसान जब जहाँ पर सरकार की इंटरवेंशन आएगी तो कोई क्यों ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी को लेगा। फिर सेकंड टाइम इसमें थोड़े से रिफॉर्म किए गए और उसके अंदर कहा गया कि सरकार पूरी तरीके से इसको बेचना चाहती है, 100% शेयर ये प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। जब ये हुआ तो कई सारे प्लेयर्स इसके अंदर मार्केट के अंदर आए, इवन आप इंडिगो वगैरह के देखेंगे तो जेट एयरवेज देखेंगे, ये सब इन्होंने बोली लगाई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोली है वो रतन टाटा के द्वारा लगाई है। अभी क्या है कि न्यूज़ के अंदर ये चीज़ बताई नहीं जा रही है, लेकिन रतन टाटा ने इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लैरिफाई करते हुए बता भी दिया है कि हमने इस डील को पूरी तरीके से जो है वो बाय कर लिया है। अब जो एयर इंडिया वो पूरी तरीके से 100% होली ऑन जो कंपनी है वो किसी बन जाएगी, रतन टाटा की बन जाएगी। तो यही बोला गया, सिविल एविएशन जो है वो एक बहुत बड़ी प्राइस के अंदर क्या कर रही है, अपनी सबसे हाईएस्ट बिड जो है वो रतन टाटा के द्वारा यहाँ पर लगाई है। इवन विस्तारा ने भी लगाई थी, वैसे विस्तारा जो है और जो एयर एशिया है ये क्या है, हमारी टाटा की ही यूनिट्स हैं। ठीक है, चलिए अब मतलब कहने का देखो इस आर्टिकल में आपको यही समझना था कि जो एयर इंडिया है अब वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं रही, अब वो पूरी तरीके से किसकी बन गई, टाटा की बन गई है। आप इसको समझो कि प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज़ को टाटा ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, ये बात हमेशा याद रहा। मैंने अपनी वीडियो में पहले डिक्लेयर कर दिया, लेकिन देखना आने वाले टाइम के अंदर टाटा क्या गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर कर देगी। तो सर एक बात, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर क्यों नहीं करे, गवर्नमेंट शर्मा क्यों रही है? भाई गवर्नमेंट शर्मा नहीं रही है, गवर्नमेंट को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि गवर्नमेंट को ये बताने में शर्म आ रही है कि हमने अपनी एक यूनिट पूरी तरीके से बेच दी एक प्राइवेट सेक्टर को। नो डाउट रतन टाटा हमारे इंडिया के, वो हमारे इंडियंस के लिए सोचते हैं, बट हैं तो प्राइवेट सेक्टर ही ना, गवर्नमेंट की बात अलग होती है, प्राइवेट सेक्टर वैसे नो डाउट रतन टाटा काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी देखो कहने वाली बात होगी ना कि गवर्नमेंट क्यों नहीं संभाल पा रही। अब रतन टाटा ने भी ली तो रतन टाटा के लॉस में चलाएंगे नहीं, वो अपने मैनेजमेंट को बदलेंगे, अपनी स्किल्स को बदलेंगे ताकि उसको प्रॉफिटेबल हो। तो ये काम गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? गवर्नमेंट हर चीज़ को जो भी भारत का हमारे पास संपत्ति है वो तुरंत बेच देती है। तो यहाँ पर इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न जताया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है टेंटेटिव रिकवरी को लेकर। अभी टेंटेटिव रिकवरी को लेकर क्या बोला जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये बोला जा रहा है कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है PMI जो भारत का है वो इंप्रूव वे में दिख रहा है, जिसके वजह से इंडस्ट्रीज में काम करना पहले से भी ज़्यादा आसान हो गया। अब एक वी शेप्ड कर्व देखने के लिए मिलेगा, जो पहले हमारी इकॉनमी डाउनफॉल में जा रही थी अभी सडन वे में ऊपर जाते हुए देखने के लिए मिलेगी। तो जो हमारा कर्व है वो वी शेप्ड कर्व यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ, एक समरी बताऊँ, तो यस हमारी इकॉनमी जो है वो रिवाइवल मोड के अंदर जा रही है, यानी हमारी इकॉनमी जो है वो अब जो नीचे गिर गई थी वो दोबारा से अब ऊपर उठती हुई हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो ये सारे ऑडिटोरियल थे। अब इसके अंदर एक और आर्टिकल आता है आपका अंडरस्टैंडिंग द तालिबान फॉर व्हाट इट इज। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर किस तरह से एक बच्ची के साथ जो है यहाँ पर हिंसा तालिबानी लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब तालिबानी जब अफगानिस्तान में इन्होंने कैप्चर किया तो उन्होंने कहा था कि वुमेन को लेकर ये बहुत सारे काम करेंगे, वुमेन की सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, इनके काम काज को लेकर। लेकिन जब इन्होंने अपनी सत्ता संभाली तो इन्होंने साफ अपनी बात से पलट दी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो तालिबानी लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। जब करने की बात आई तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वुमेन लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, वो घर पे बैठ के अपना काम काज करना चाहती है, कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है कर सकती है, लेकिन वो ऑफिस से नहीं जा सकती, उनको पहनने के लिए नकाब वगैरह चाहिए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगे। यानी पूरी तरह से आप देख सकते हो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, और ह्यूमन राइट में भी वुमेन एम्पावरमेंट को ये बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं चाहते। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है,
NH2 अ विन विन प्रपोजिशन। अभी NH2 क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ NH2 के पहले फुल फॉर्म जानो, नॉर्ड स्ट्रीम 2। दोस्तों ये काफ़ी टाइम बाद ये न्यूज़ आई है, इसलिए आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँ। क्यों देखो, कई सारे आर्टिकल आप देखते हैं रिपीटेशन बेस पर होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन ये आर्टिकल ऐसा नहीं, ये बहुत टाइम बाद आया है। इवन मैंने जब हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसके बाद से लेकर ये पहली बार आर्टिकल है, इसलिए मुझे आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें बतानी है और आप डिटेल में सुनोगे। देखो NH2 क्या होता है, नॉर्थ स्ट्रीम 2 इसे बोलते हैं। बेसिकली तीन कंट्रीज है, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन, ये क्या करती है आपस में डील करती है। मैं आपको बता दूं, जो हमारी रशिया है ना, इसके पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, ऑयल बोलो या नेचुरल गैस बोलो, इसके पास बहुत सारी नेचुरल गैसेस पाई जाती है। ऑयल नहीं बोलना चाहिए मुझे, नेचुरल गैस बोलना चाहिए। तो क्या हुआ कि जो गैस की पाइपलाइन है वो रशिया से होती हुई कई सारी कंट्रीज में जाती है। अब यहाँ पर क्या, चलो मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो मैप के लिए मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ ले रखी है, आप देखना इस चीज़ को, मैप में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैप आपका ये रहा, ये देखिए ये रशिया है, ठीक है। अब ये जो रशिया आप देख पा रहे हैं, रशिया से क्या हुआ, एक सीधी पाइपलाइन आई जर्मनी की तरफ। कहाँ से आई है, रशिया से जर्मनी की तरफ आई है। अब क्या हुआ कि रशिया से जर्मनी की तरफ आने से पहले ये जो पाइपलाइन है वो रशिया से यूक्रेन होकर जाती थी, यानी यहाँ पर यूक्रेन और रशिया ये दोनों क्या करते थे, जर्मनी को माल बेचते थे। लेकिन क्या हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल शिप में आते हैं तो ये बोलते हैं कि यूक्रेन का जो लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब जर्मनी जो है वो सीधा रशिया से माल खरीद लेती है, क्योंकि बीच में पाइपलाइन आई हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो रशिया और जर्मनी के बीच में जो पाइपलाइन आई हुई है, आप ये देख सकते हैं, देखिए रशिया है और यहाँ से पाइपलाइन कहाँ आई हुई है, जर्मनी के अंदर आई हुई है। तो इन्होंने इस पाइपलाइन को ब्लॉक करवा दिया था, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा था कि ये पाइप यूज में नहीं आएगी, यानी अगर आपको व्यापार करना है तो आप कहां से करोगे, जो ये अपनी पुरानी पाइपलाइन है ना इसी से करोगे, पुरानी पाइपलाइन जो यूक्रेन से होती हुई जा रही है, क्योंकि इसमें यूक्रेन को फायदा पहुंच रहा था और यूक्रेन से यूएसए को फायदा पहुंच रहा था, तो ये पाइपलाइन बंद करवा दी गई। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाती है तो तुरंत ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देते हैं, इस चीज को खत्म कर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपको व्यापार करना है तो यस आप इस पाइपलाइन का यूज कर सकते हो जो डायरेक्टली रशिया से आपकी जर्मनी के लिए जा रही है। अब ऐसे में जो हमारा ये यूक्रेन है ये गुस्से में आता है, ये बोलता है इस वजह से तो हमारा व्यापार रुक जाएगा फिर पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जर्मनी है वो यूक्रेन को कुछ पैसा देगी जिससे उसके लॉस को यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल इस चीज़ पर बेस्ड है, ठीक है। तो और इसी पूरी पाइपलाइन को जो है हम क्या बोलते हैं अपने पास, नॉर्दर्न स्ट्रीम 2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NH2 बोलते हैं। तो ये विन विन प्रपोजिशन है, मतलब एक तरफ उसे लग रहा है कि हम जो है ये जीत गए और एक तरफ उसे कंपनसेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात सिर्फ यही चल रही है कि जो ये जर्मनी, रशिया और यूक्रेन है, ये कई टाइप की हर्डल्स आपस में लगा देते हैं। तो बेसिकली आपको ना समझने वाली चीज पता है क्या है, अगर हम बात करें नेचुरल गैसेस का, सबसे ज्यादा जो स्टॉक है वो रशिया के पास है, रशिया वर्ल्ड में कई जगहों पर इस चीज का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इसका आपका यूक्रेन है और जर्मनी का सबसे बड़ा बायर है, इवन हम लोग भी इसे बाय करते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल पूरा इस पर बेस्ड है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होंगी। इसके यहाँ पर एक आ रही है, पीस एट हार्ट ऑफ एजुकेशन। अब क्या हो रहा है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी लड़ाई दंगे होते हैं ये पढ़े लिखे लोगों में कम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा होते नहीं है, होते हैं नो डाउट, लेकिन कम होते हैं। लेकिन जो ये जितने भी अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो कास्ट सिस्टम को, रेसिज्म को और वुमेनिज्म को बहुत ज़्यादा दांव पेच पर उठाते रहते हैं, उनको दंगे फंसाने में काम करते हैं, तो इनकी अगर एक लड़ाई की जड़ अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा वो है लैक ऑफ एजुकेशन। यानी आज के में मैं ये नहीं कहूँगा हर चीज़ एजुकेशन है, लेकिन ये भी कहूँगा कि हर चीज़ एजुकेशन के बिना नहीं की जा सकती। यानी अगर आप एजुकेटेड हो तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के अंदर एक अच्छा नॉर्म, एक अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्प्रेड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। तो एजुकेशन को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये कहा गया अगर हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें, एक जो लड़ाई दंगे वगैरह होती है इनके अंदर एक बहुत बड़ी कटौती यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर हम पिछले 2 सालों के अंदर देखें तो हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन की वजह से कई सारी लड़ाइयाँ हमें देखने के लिए मिली है, तो इसको किस तरह से यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है और एजुकेशन को प्रमोट करने की यहाँ पर बात की गई है। और ये भी कहा गया कि अगर एक बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ उसको उसकी स्किल को डेवलप किया जाएगा तो उसे अच्छे से जॉब मिलेगी, जिसकी वजह से जैसे रेप केस हो गए, लूटपाट के केस हो गए, रॉबरी के केस हो गए, चोरी के केस हो गए, इनमें भी भारी इजाफा देखने के लिए यहाँ पर, भारी कमी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। तो कुल मिला के बस ये आर्टिकल क्या बोलता है, एजुकेशन को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर है, ये तो आप जानते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर है डीआरआई, डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस परसुइंग लीड ऑफ हीरोइन सीजर। अभी क्या है, आप जानते हो जब से तालिबानी लोगों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है तो बेसिकली अफगानिस्तान में अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, इनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें तालिबान का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अफीम, चरस, गांजा, ये इसको बेचकर ही पैसा अपने पास क्या करते हैं, कमाते हैं, अफीम, चरस, गांजे को बेच बेचकर। अब ये क्या करते हैं, अफीम, चरस, गांजा इन्होंने बना तो लिया, अब जब बना लिया तो बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। अब मार्केट क्या है, इनकी अलग अलग कंट्रीज़ हैं। अब क्या है, जैसे कि मैं आपको ना एक
डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये देखना, मैंने अभी इस डायग्राम को ये देखे, अभी रिसेंटली ये देख रहे हो, ये सारी लगभग 3,000 किलो की अफीम चरस गांजा भी पकड़ा गया है। 3,000 किलो का अफीम चरस गांजा भी पकड़ने के लिए यहाँ पर मिला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अभी मैं 2021 की बात करूँ, 24 जनवरी को 8 किलो हीरोइन पकड़ी गई जिसकी कीमत लगभग 68 करोड़ बताई गई है। 9 मई को 125 किलो हीरोइन पकड़ी गई है। सेप्टेम्बर की 28 तारीख को अभी 16.11 किलो की हीरोइन पकड़ी गई है। इसके बाद केला कोस्ट की बात करें, 20 मार्च को पकड़ा गया। ओमान कोस्ट की बात करें, अप्रैल 23 और 24 में लगभग 1,286 किलो पकड़ी गई। चेन्नई पोर्ट की बात करें, मई 7 में 15.6 किलो की हीरोइन पकड़ी गई। नवी मुंबई में 300 किलो की, और अभी जो रिसेंटली पकड़ी गई आपको पता ही होगा, ये गुजरात के अंदर पकड़ी गई। देखो गुजरात लिखा हुआ ना, सेप्टेम्बर की 11 तारीख को 3,000 किलो की हीरोइन पकड़ी गई है जिसकी कीमत जो है वो तकरीबन 20,000 करोड़ की बताई जा रही है। ये हीरोइन कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, आप ये देखिए, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये ईरान, ये तीन कंट्री गोल्डन के अंदर आती है, गोल्डन क्रिसेंट के अंदर आती है। और देखो भारत बीच में आ गया है एक सैंडविच की तरह, और दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल के अंदर चार कंट्री आती है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और बर्मा। मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है इनकी अफीम चरस गांजा की, वो वियतनाम में, लाओस में, बर्मा में और थाईलैंड है। और प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना माल भेजना चाहते हैं, अब बीच में आ जाता है भारत। तो ये भारतीय रास्ते से जब भेजते हैं तो क्या होता है, भारत इस चीज़ को ऑब्जेक्शन करता है कि ये टाइप की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो भारत इन दोनों के बीच में एक तरह से सैंडविच की तरह पिस जाता है। तो इस बात को लेकर क्या हुआ कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों को रोकने का काम करती है, जिसका नाम है DRI। चलो मैं आपको DRI के बारे में पढ़ाता हूँ कि DRI होती क्या है बेसिकली। एक मिनट दोस्तों, बहुत डिटेल में बताना पड़ता है इसलिए हमारी जो क्लासेस है वो थोड़ी लंबी होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये आपका जो है GS पेपर नंबर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DRI एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में क्या काम करती है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम होते हैं इनको देखने का यहाँ पर काम करती है। अब CBEC ने इसको साफ साफ बोला हुआ है कि इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर, देखो गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है जो हीरोइन चरस गांजा, इन पर एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगेगी नहीं क्योंकि इसको हम बेचने से ही यहाँ पर प्रोहिबिट करते हैं। लेकिन अगर इस टाइप की कोई स्मगलिंग यहां पर देखने के लिए मिलती है तो ये जो है DRI ये उस चीज को रोकने का यहां पर काम करती है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आप जानते हैं अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान का कैप्चर हो रखा है, तो तालिबानी लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो माल है वो इंडिया में इंडिया के थ्रू भेजते हैं। अब यहां पर गुजरात में देखो 3,000 किलो की जो अफीम चरस गांजा जो हीरोइन है वो यहां पर पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं कितने बड़े कंटेनर है जिसमें 3,000 किलो हीरोइन भरी गई है, जिसकी वैल्यूएशन मार्केट प्राइस में, इंटरनेशनल प्राइस में बहुत ज्यादा है। अब ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप देख सकते हैं अभी अफगानिस्तान को आए हुए महीना भर नहीं हुआ है और उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तो इनका भाई है, ईरान भी इनका भाई है क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज यही लोग करते हैं, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन फंस कौन जाता है? भारत, बीच में जो फंस जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर NIU को लेकर बात की गई, NIU को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, LOC की बात की जा रही है। ये पाकिस्तान की तरफ से बात की जा रही है, यानी पाकिस्तान की जब बात होगी तो LOC बोला है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना की बात की है तो LAC की बात की है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पाकिस्तान हो तो LOC और अगर चाइना तो LAC। तो LAC को लेकर यहाँ पर बात की है, NIA सर्च कर रहा है कि किस तरह से जो एक्टिविटीज़ हो रही है, टेररिज्म को बढ़ाया जा रहा है LOC पर, ये किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तान की जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है इसको रोका जा सकता है। अब आप मुझे बताओगे NIA की एजेंसी करेगी, NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसको कब बनाया गया और इसकी नोडल एजेंसी किस मिनिस्ट्री के द्वारा संभाली जाती है और इसके क्या फंक्शन होते हैं? मैं रिपीट कर दूं, 3 चीज़ें बताओगे, NIA क्या होती है, NIA की फंक्शन क्या होती है, इसे कब बनाया गया और NIA का जो मेनली काम है वो क्या है, ठीक है। ये चीज़ आप बताओ क्योंकि मैं ऑलरेडी कई सारे आर्टिकल्स के अंदर इसको डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा। इसके यहाँ पर बात की जा रही है, आपको पता ही होगा कि जो UK है उसने इंडिया के ऊपर एक बैन लगाया था कि अगर कोई भी इंडियन डबल वैक्सीनेशन करने के बावजूद भी अगर UK के अंदर जाता है तो UK के अंदर उसे 10 दिन के होम क्वारंटाइन के अंदर उसे रखा जाएगा, इसके बाद उसको डिटेंशन सेंटर से निकाल के जो भी उसे काम करना है वो वहाँ पर कर सकता है। तो काउंटर करते हुए इंडिया ने भी अब क्या कर दिया, UK से कोई भी बंदा आएगा तो उसको अगर वैक्सीन हो भी गई होगी इसके बावजूद से 10 दिन तक क्वारंटाइन के अंदर रखा जाएगा। अब इस बात को देखा UK वाले बड़े तिल मिला गए कि यार ये क्या हो गया, तो काउंटर करते हो हमारे ऊपर हमारे ही रूल अपना दिया। तो यहाँ पर UK ने बोला कि देखो इंडिया वालों ध्यान से सोच लो आप कर क्या रहे हो, एक बार फिर से हम आपको मौका दे रहे हैं विचार विमर्श करने का, अगर आप डिसीजन बदलना चाहो तो बदल सकते हो। तो यहाँ पर ये आर्टिकल में जो विकास धूत है इन्होंने पता है क्या बोला, इन्होंने ये बोला है कि देखो UK जो है उसको हम बहुत सारा माल एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है ना, लगभग हमारा 25,680 करोड़ का जो व्यापार है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25,680 करोड़ का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो हम कहाँ भेजते हैं, UK में भेजते हैं।
हैं। तो अगर हमने ये काउंटर करते हुए जो काम कर दिया है, नो डाउट इससे हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कल को अगर यूके ने मना कर दिया हमसे एक्सपोर्ट करवाने के लिए, यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस टाइम भारत सरकार बड़ी दुविधा में पड़ी हुई है कि काउंटर करते हुए हमने रूल तो बना दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो यूके वाले हमसे एक्सपोर्ट जो करवाते हैं वो करना कम कर दें, जिसकी वजह से 25,680 करोड़ का झटका लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी रकम है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होती है, और अगर यूके ने कुछ कर दिया तो दिक्कत इंडिया वालों के लिए हो जाएगी, क्योंकि उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड यूके के साथ है वो बहुत बड़े वैल्यू पर होता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चले तो कोई खास आर्टिकल नहीं है। बाकी चाइना को लेकर तो आप जानते हो टेस्टिंग वगैरह चलती रहती है। अभी यहाँ पर चाइना और इंडिया में क्या है कि ये जो आर्मी के जो चीफ मार्शल चीफ है ये आपस में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मीटिंग होगी, देखते हैं वो मीटिंग कब होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज जो हुई थी कोविड-19 क्राइसिस में, ये थर्ड वेव या फोर्थ वेव के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कई सारी डेथ हुई है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमेशा ये बोलते हैं कि जो मेडिकल केयर फैसिलिटी वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी माली हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा जो हार्मोन डिसबैलेंस कर गए थे या कोविड-19 के जो प्रकोप है वो बढ़ गया था, जिसके से डेथ हुई। लेकिन रियलिटी आप जानते हो कि बहुत सी डेथ तो ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से हुई थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बोला कि अब ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर और अगर हम आगे चलें तो ये कोई खास आर्टिकल यहाँ पर नहीं है, बाकी यहाँ पर ये भी कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें। अच्छा, ताइवान को लेकर बात की जा रही है कि चाइना जो है वो ताइवान को क्यों बार बार उसको कैप्चर करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। देखो यहाँ पर क्या है, जो ताइवान है ना वो CPTPP एग्रीमेंट के अंदर आना चाहता था, कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। चलो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि आखिर चाइना जो है वो ताइवान पर दबदबा क्यों बनाती है, इसको हम एक इससे समझेंगे, इससे आपको ना ज़्यादा अच्छे समझ आ जाता है। एक मिनट दोस्तों, मैं ज़रा वो निकाल लेता हूँ। देखो CPTPP ये क्या है बेसिकली, इसके अंदर कई सारी कंट्रीज़ हैं हमारे पास जिन्होंने मिलकर क्या हुआ है अपने क्लब बनाए हुए, बेसिकली 11 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, जापान, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, बुरनोई, मलेशिया, पेरू और चिली। ये 11 कंट्रीज़ कुल ऐसी हैं जिन्होंने मिलकर अपना एग्रीमेंट किया, जिसके अंदर कुल मिला के 500 मिलियन पीपल्स आते हैं। ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का 13.9 ट्रिलियन जो है वो GDP को कवर करती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर बात क्या चलिए, बात ये हो रही है कि जो CPTPP है इसके अंदर क्या है, ताइवान जो है वो इसके अंदर मेंबर बनना चाहता है, 12वें नंबर का मेंबर बनना चाहता है। तो इसने अपनी जो बात है वो इनको रखी होगी, चाइना वालों को पता चल गया। अब चाइना क्या करता है, ताइवान को अपनी अपनी कंट्री मानता है और कहता है ताइवान कोई कंट्री नहीं बल्कि ये चाइना का ही एक पार्ट है। अब ताइवान जब इसमें एंटर हो जाएगा तो एक तरह से चाइना को जो ताइवान है उसको अपनी एक अलग स्टेटस मिल जाएगा, अलग कंट्री होने का। तो चाइना इनके पर डोमिनेंसी करने के लिए क्या करती है, अपने फाइटर प्लेन बार बार इनके यहाँ पर भेजती रहती है और ये बताती है कि तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो, हम तुम्हारे ऊपर कब्जा करेंगे। तो हो सकता है आने वाले 2050 तक चाइना जो है वो ताइवान पर पूरी तरह कब्जा कर ले। तो बेसिकली मुद्दा यहाँ से ये उठा था कि ताइवान CPTPP का मेंबर बनना चाहता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का पार्टनर बनना चाहता है, बट यहाँ पर चाइना के द्वारा साफ मना कर दिया गया और इसी वजह से वो चाइना बार बार इन पर आर्मी भेजकर ये जता रही है कि आप कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते जब तक चाइना उस चीज़ के लिए मंजूरी ना भरे। और अराउंड देखा जा रहा है कि 38 एयरक्राफ्ट एक ही दिन के अंदर भेज दिए जाते ताइवान में बिना उनके परमिशन के। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे चाइना की हमेशा नीति रही है हड़पने की, कि दूसरी लैंड को जितना हड़प सकते हो हड़प लो, बाप का माल है, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल। लेकिन ये भारत से अब टक्कर लेता ना तो भारत मुंह मतलब करारा जवाब इनको देती है। ताइवान तो छोटी कंट्री इसलिए ज़्यादा इनका जवाब भी जड़ाकर नहीं कर पा रही है। अगर इंडिया के साथ क्या होता तो इंडिया इनका क्या हाल बनाती है आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चले तो यहाँ पर कुछ नहीं है। और दोस्तों इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर तो आप जानते हैं, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ता रहे, इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ा नहीं रही है बल्कि कम कर रही है, तो हमारी जो पैसों की वैल्यू वो दिन पर दिन क्या होती है, कम होती है। क्योंकि हमारे इंडिया में अभी कौन सी सिचुएशन चल रही है, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन की इकॉनमी तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ होती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही इन्फ्लेशन के चलते, ठीक है। तो ये सारे हैं, इसके बाद ये हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ होगा बेसिकली आज के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतने। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए तो आज के हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतने, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।